नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आपकी 10वीं बोर्ड की व 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आज आपकी मीटिंग होनी थी, सोमवार को मैंने आपको बताया था, और अभी कुछ देर पहले ही मीटिंग है, वो समाप्त हुई है। राजस्थान बोर्ड एग्जाम 10th और 12th की जो एग्जाम को लेकर ये हाई लेवल की मीटिंग रखी गई थी, उच्च स्तरीय, जिसमें कि दोस्तों आपके खुद जो है अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, और उसी के साथ शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा और जो बड़े अधिकारी थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के, वो उसमें मौजूद रहे। डॉक्टर GP जारौली भी इसमें मौजूद रहे। तो क्या फैसला आया दोस्तों निकल कर प्रमोट करने को लेकर, क्या बात कर रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को आप लास्ट तक पूरा बहुत जरूर करना, साथ में दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज भी निकल के आ रही है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि दोस्तों आपको आगे भी राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट वो मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा, 10वीं बोर्ड की CBSE ने परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की जो परीक्षाएं थी उसको लेकर आज मीटिंग होनी थी, और 12th की परीक्षाओं को लेकर भी मीटिंग होनी थी। तो 12th की तो आपकी जो परीक्षाएँ दोस्तों कराई जाएंगी, लेकिन आप सबके लिए गुड न्यूज ये जा रही है, अभी कुछ देर पहले की न्यूज है दोस्तों, 5 बजे आपकी मीटिंग समाप्त हुई है, कि 2021 में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी। यह फैसला दोस्तों यहां पर लिया जाएगा, अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, अभी जो फैसला है दोस्तों वो अंतरिम फैसला आ चुका है। जी हां दोस्तों, अंतरिम फैसला आया, जिसमें कि जो 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं, इसको लेकर दोस्तों वार्ता हुई है, और जो इंटरनल असेसमेंट के आधार पर दोस्तों आपको अंक दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों चर्चा हुई थी, तो उसमें जो अधिकारियों की तरफ से अपनी जो पक्ष रखा गया था, और स्टूडेंट की तरफ से भी पक्ष रखा गया था, तो काफ़ी सारे जो अधिकारियों ने कहा था कि अगर हम इसे पास कर देते हैं सभी स्टूडेंट को, तो इसमें जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम देना चाहेंगे, वो चाहेंगे कि उन्हें मेरिट में आए, या फिर उनकी परसेंटेज के आधार पर उनकी मार्कशीट उन्हें मिले। तो इसकी उन्होंने जो अधिकारियों ने जवाब दिया, इसका पक्ष रखा गया, तो उसमें बताया गया कि अगर जो एग्ज़ाम देना चाहता है वो छात्र एग्ज़ाम दे सकता है। इसको लेकर 10वीं का विकल्प है, पहले भी है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम देना चाहता है, वो मार्कशीट परिणाम विशेष मूल्यांकन पद्धति के आधार पर मार्कशीट नहीं चाहते हैं, तो वो 12वीं छात्रों के साथ परीक्षा में भाग ले सकते हैं। ऐसा यहाँ पर निर्णय पहले ही दे दिया है CBSE बोर्ड ने, ये आदेश की दोस्तों पहले ही घोषणा कर दी, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दे सकती हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरे जो तरफ से बोला गया कि अगर स्टूडेंट को सभी को पास कर दिया जाएगा, तो किसके आधार पर जो अंक हैं वो प्रदान किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो बताया गया, जो फैसला लिया जाना है दोस्तों, वो है आपका प्री बोर्ड। तो जिन स्टूडेंट की जो प्री बोर्ड के एग्जाम हो चुके हैं, उनको प्री बोर्ड के आधार पर यहाँ पर नंबर दे दिए जाएंगे, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट के अभी प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुए थे, या फिर होने वाले थे, इसमें कैंसिल हो गए कोरोना की वजह से। तो ऐसे में यहाँ भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पर जो मीटिंग है वो अंतिम फैसला नहीं आया है, इसको लेकर दोबारा से मीटिंग वो कराई जाएगी। अभी दोस्तों इनको अच्छे से निर्णय लिया जाएगा, और इसी में केंद्र सरकार से भी इसकी इस पर लेकर मंथन है वो किया जाएगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों, उन्होंने फैसला दे दिया है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द करो, क्योंकि जान है तो जहान है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ट्वीट किया जा रहा है वो है कैंसिल बोर्ड एग्जाम, इसको लेकर दोस्तों सभी जगह ट्वीट किया जा रहा है, इसको लेकर PMO प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और हैशटैग जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटसरा हैं, और जो नरेश पोखरियाल हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है ट्वीट किया जा रहा है, यानी कि कैंसिल बोर्ड एग्जाम, यानी कि 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम है वो कैंसिल किए जाएं। अब इसको लेकर दोस्तों सरकार जल्द ही फैसला लेगी, क्योंकि इसको लेकर दोस्तों अब केंद्र सरकार का फैसला आना बाकी है। हालांकि राज्य सरकार तो चाहती है एग्जाम है वो रद्द किए जाए, कि जो परीक्षा नहीं कराई जाए, लेकिन दोस्तों इसको लेकर मीटिंग हुई थी आज। तो मीटिंग में जो फैसला लिया गया दोस्तों, वो अंतरिम फैसला के अनुसार आपकी जो बोर्ड परीक्षा है दोस्तों वो कैंसिल हो सकती है। यहाँ पर ये फैसला है दोस्तों आपको निकल गया है, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आपको नंबर है वो दे दिए जाएंगे। TV9 की न्यूज है, भारतवर्ष TV9, और कुछ देर पहले की ये न्यूज है दोस्तों, 5 बजे आपकी मीटिंग समाप्त हुई थी, तो इसमें अभी अंतरिम फैसला दोस्तों इसमें आपका आना बाकी है, और जो भी अपडेट आएगी दोस्तों मैं आपको करता रहूँगा अपडेट। फिलहाल में दोस्तों अगर मैं आपको 12th की एग्ज़ाम की बात करूँ, 12th बोर्ड की, तो 12th बोर्ड की आपकी जो एग्ज़ाम है वो समय पे कराई जाएंगी, 1 जून के बाद दोस्तों इनका टाइम टेबल है आपको दे दिया जाएगा, और आपके जो 15 दिन पहले आपको इसको सूचित कर दिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। लेकिन 10th की एग्ज़ाम को लेकर दोस्तों असमंजस की स्थिति बनी हुई है, एक पक्ष बोलता है कि एग्ज़ाम कराओ, एक पक्ष बोलता है कि एग्ज़ाम मत कराओ, क्योंकि कोरोना इस वर्ष दोस्तों होती ज़्यादा भयावह स्थिति में है, और जो युवाओं को और स्टूडेंट की यहाँ पर जो है जान को भी खतरा हो सकता है, जिसको लेकर केंद्र सरकार सख्त है। उन्होंने पहले ही जो CBSE बोर्ड ने तो पहले ही कर दिया है, हरियाणा बोर्ड ने भी कर दिया है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो है UP में भी दोस्तों यहाँ पर जो 10th वाले स्टूडेंट की एग्ज़ाम है वो रद्द कर दी हैं, 12th की एग्ज़ाम कराई जाएंगी, लेकिन 10th की एग्ज़ाम है वो रद्द कर दी हैं।
और राजस्थान को लेकर दोस्तों दूसरी मीटिंग जल्दी ही होगी। आज की मीटिंग में जो फैसला लिया गया उसके अनुसार आप जो संभावना जताई जा रही है उसके अनुसार 10th के जो बोर्ड के एग्जाम है दोस्तों वो कैंसिल हो सकते हैं। फिलहाल में दोस्तों अपनी एग्जाम की तैयारी करते रहें, जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इस चैनल पर देता रहूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर देना ताकि आपको आगे भी दोस्तों अपडेट मिलती रहे। और तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।